जय माता दी फ्रेंड्स। आज गप्पू भैया ग्राउंड में नहीं गए, फील्ड पे यहीं ऊपर छत पे मेरे साथ घूमने आ गए। तो टफी को देखो जरा, कितनी मस्ती सूझ रही है इसको। सुबह सुबह उठते ही उसे तो खेलने के लिए कोई चाहिए, हम लोग खेलते नहीं है उसके साथ तो पागल हो जाती है। मेरे साथ आती हूँ पर तो इतनी मस्ती थोड़ी ना करती है, बैठ जाती है चुपचाप। बॉल कहाँ गई? बॉल इसकी कहाँ? बॉल कहाँ? रंडा की बारे ले 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 के आओ। उसको रख के उसके ऊपर बैठ जाएगी, फिर ले गई फिर ले गई फिर ले गई, मुंह में दबा के घूमती रहेगी या तो, या फिर उसको रख के उसके ऊपर बैठ जाएगी। उसे लगता कोई ले ना ले मेरी बॉल, तेरी बॉल है, उसको दबाएगी और उसके ऊपर बैठ जाएगी। तेरी बॉल है। ये देखना उठा के ले आएगी, देख देख जंप लगाती है सीधा बॉल लेके। तो लड़ाई करती बॉल से भी। ले आओ, ले आओ, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, बैठ जाओ। बस अब बैठी रहेगी बॉल लेके। गप्पू ये देख, ये वाला कोट ये सोवियत नारी बुक में से देख के मैंने बनाया था, वूलन कोट। और ये गोलू ने पहना था, सबको इतना पसंद आया था वाइट कलर का, और भी बहुत सारे लोगों ने बनाया था फिर देख के। और ये देख, ये पता है दो हंसों के जोड़े वाली पेंटिंग, ये मैंने खुद हाथ से ड्रॉ की थी जब मैं पेंटिंग वगैरह सिखाती थी, पूरी हाथ से ड्रॉ करके बनाई थी। वो टाइम पे कितने स्टूडेंट आते थे मेरे पास सीखने, मेरी पुरानी सारी डायरी फाइलें सब कुछ रखा हुआ है, सारे डिज़ाइन रखे हुए हैं मेरे। और ये सोवियत नारी बुक आती थी, सोवियत संघ की जो US की बुक होती है, उसमें से मैं पूरे डिज़ाइन निकाल निकाल के बनाती थी। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा। आज मैं जो अपने नए प्लांटर लेके आई थी उन पे कलर कर रही हूँ, और साथ में मैंने जो ये छोटी सी दियों की बॉल बनाई थी इस पे भी मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अब दिवाली में 3-4 दिन ही बचे, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। देखिए मैंने वेस्ट मटेरियल से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाने की कोशिश की है। ये पुराना टूटा हुआ मटका रखा था तो उसको मैंने पेंट करके थोड़ा सा एक शेप दे दिए, और पुराने दियों के छोटे छोटे से मिली बग बनाए मैंने। ये बॉक्स में कलर किया, ये सूख जाएगा तो फिर इसमें मैं कुछ डेकोरेशन का सामान लगाऊंगी। ये छोटे छोटे से मिली बग बनाए मैंने पुराने दियों को पेंट करके, और ये पुराने दियों की छोटी सी वॉल देखिए, गमलों में छोटे छोटे मिली बग रख दिए मैंने। हालांकि अभी मेरे प्लांट को बड़े होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए, तो देखते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ऊपर आके बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अपने क्लाइंट का हेयर कट कर रही हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे सभी क्लाइंट सेटिस्फाई होके जाएं।
किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा काम उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। आज होई अष्टमी है और नीचे क्लाइंट आ गए थे, तो मैं अभी जल्दी जल्दी ऊपर आई हूँ। मेरा हलवा बन गया है और अभी मीठी मठियाँ बन रही हैं, टिक्कियाँ। तो अभी मैं होई अष्टमी की पूजा करूँगी, अभी मठियाँ तलनी बाकी हैं। आज मैं लेट हो गई, चलिए माता रानी को पता है क्यों लेट हो गई, चलिए फटाफट बना के करते हैं पूजा। चलिए होई अष्टमी की पूजा हो गई है और फाइनली अब मेरा काम थोड़ा सा हो चुका है। अब मैं फ्री होके थोड़ी देर बैठती हूँ, अभी दिवाली तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि सलोन में भी ऑफर चल रहा है तो सलोन भी देखना रहता है। तो दिवाली तक अभी मैं शायद मन की बात वाला टॉपिक नहीं ले पाऊँगी, बट हाँ मैं व्लॉग तो रोज़ डालने की कोशिश करूँगी कि मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहे। उसमें मैं कोशिश करूँगी कि उसमें नागा नहीं होना चाहिए। चलिए अब बैठते हैं थोड़ी देर आराम से, मिलती हूँ फिर कल एक अच्छी और प्यारी सी सुबह के साथ। जय माता दी।